प्यारी बच्चियों, बुजुर्गों, आज उत्तर भारत के क्रांतिकारी नगर मेरठ में एक क्रांतिकारी गठबंधन का शुभारंभ हो रहा है, इसके लिए हम आप सबको मुबारकबाद देते हैं। मित्रों, 1967 को भी मैं याद करूंगा, जब उत्तर भारत में कांग्रेस के अधीन मनुवादी व्यवस्था की सरकार लगातार चल रही थी और देश का बहुजन घुटन महसूस कर रहा था, तो उत्तर भारत के लखनऊ सरजमीन से एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी, जो उस जमाने में एमएलसी हुआ करते, सोशलिस्ट दलों समाजवादियों की हिमायत के तौर पर वो विधान परिषद के सदस्य थे। उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता छोड़ी और विधान परिषद में ऐलान किया। श्री सी बी गुप्ता जी उस समय मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, कि सी बी गुप्ता, संविधान तो तुम्हारे लिए दिखावा है, असल तो तुम्हारा मनुवाद की तरफ चलावा है, और मैं इस्तीफा देकर इस विधान परिषद से बाहर जाता हूँ और ये ऐलान करते हुए जाता हूँ कि अब आइंदा उत्तर प्रदेश में जीवन में मेरे कोई भी मनुवादी प्रदेश का मुखिया नहीं बनने पाएगा। और डॉक्टर साहब सीधे दक्षिण भारत गए, डॉक्टर साहब ने पेरियार से मुलाकात की, हवड्डे साहब से मुलाकात की भारत का, और उत्तर प्रदेश में मुझे याद है तेरी उम्र उस वक्त 21 साल की थी, मैं अंडर ग्रेजुएशन था, किसी ने मुझे मौलाना कहा, मैंने तो मदरसे का मुंह भी नहीं देखा, मेरा चेहरा मौलाना जैसा लगता, मैं तो आपकी तरह आधुनिक शिक्षा संस्थाओं से ही कुछ पढ़ लिख कर कुछ बोलने और लिखने लायक बना। तो बहनों और भाइयों, डॉक्टर फरीदी ने पेरियार को उत्तर भारत मिला के हम लोगों की दिमाग की चेतना को जगा दिया। मैंने पेरियार को देखा, पेरियार को सुना और पेरियार से लखनऊ और कानपुर पर बातें की। बहनों और भाइयों, मैं बहुत साफ कुछ बातें आपसे करना चाहता, तमाम क्रांतियां उत्तर भारत में आई, उत्तर प्रदेश ने अगुवाई की, लेकिन एन केन प्रकार कुशलता पूर्वक छल से कपट से उन आंदोलनों को समाप्त किया गया। लेकिन भाई, घर को तो आग घर के चिराग से रखो, अगर घर का चिराग ना हो आग लगाने वाला, तो बाहर के चिराग से घर को आग नहीं लगती। 1971 में 1970 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार धराशायी हो गई और इसी क्षेत्र के हमारे आजहारी लौह पुरुष श्री चौधरी चरण सिंह जी ने कांग्रेस के दो हिस्से किए और बहुजनों की पहली सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई उत्तर प्रदेश के मुखिया के तौर पर। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर बहुजनों की बात करनी है तो हमें ईमानदारी से उस पर रुकना है और जमना है। अफसोस की बात यह है कि जो बहुजनों की बात करते हैं कुछ दूर चलते हैं और उसके बाद किसी न किसी लालच में मनुवादियों के चक्कर में फंस जाते हैं। हमारे बीपी मौर्या जी जो हमारे वोटों से अलीगढ़ में जीते थे, हमारे से मतलब मुसलमान से नहीं है, हमारे से मतलब बहुजनों के वोटों से। हालांकि अलीगढ़ संसदीय क्षेत्र में 45% मुस्लिम वोट है, हम दावा कर सकते हैं कि हमारे बगैर बीपी सिंह जी ने संसद का मुंह देखा होता, लेकिन बीपी सिंह को एक मंत्रिपरिषद की सीट के लिए इस आंदोलन की पीठ पे छुरा घोंपने के लिए इंतजार किया। इसके बाद हमारी बहन दलित की बेटी दौलत की बेटी बन गई, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। बहनों और भाइयों, आज ये आइंस क्यों बनाना पड़ा, हमने माननीय कांशीराम जी के साथ 3 साल काम किया है। मैं उस जमाने में मुस्लिम लीग उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष था, मैंने हमेशा मुस्लिम सियासत की, लेकिन 1992 के बाद हमने महसूस किया कि मुस्लिम नाम का कोई संगठन, मुस्लिम की सियासत इस देश में नहीं चल सकती है और वो हितकर नहीं अहितकर होगी। इसलिए हमारे इंडियन नेशनल लीग के अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष इब्राहिम सुलेमान शेख साहब, जो मुस्लिम लीग में 51 साल तक थे,
31 साल संसद थे, उनको हमने राजी किया कि मुस्लिम लीग को छोड़कर भारतीय इंडिया देश के लिए, कभी लोग बोलते हैं इंडियन नेशनल लीग को इंडिया देश की लीग बनानी पड़ेगी, और हम लोगों ने इंडिया देश की लीग बनाई। लेकिन इंडिया देश की लीग भी चूंकि हमारी दाढ़ी और टोपी हमारा चेहरा मौलाना सुलेमान कहला देता, इसलिए वो बात भी नहीं बनती। इसलिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में फिर कोशिश की और गत पार्लियामेंट के चुनाव से पहले, उससे 12 साल पहले हम लोगों ने कुछ बहुजन समाज के नेताओं से बात की, कुछ दूर चले भी, लेकिन कभी कोई बीमार हुआ, कभी कोई दुनिया से चला गया। आज श्री माने जी के नेतृत्व में, इनके संयोजन में जो ये राष्ट्रीय बहुजन गठबंधन, जिसे अंग्रेजी में नेशनल बहुजन अलायंस कहते हैं, भारत बहुत बड़ा देश है। परसों में मद्रास में था, नटराजन की पत्नी शशिकला से बात हो रही, द्रविड़ आंदोलन के बहुत बड़े नेता पेरियार पेरिसामी से बात हो रही थी। जाहिर रूप से हम अगर कहते राष्ट्रीय बहुजन गठबंधन तो बेचारे वो नहीं समझते, लिहाजा हमारा नाम नेशनल बहुजन अलायंस और हिंदी में राष्ट्रीय बहुजन गठबंधन रखना पड़ा है। ये राष्ट्रीय नाम का नहीं है, ये राष्ट्रीय काम का बनने जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश का निर्णायक हिस्सा होगा। उत्तर प्रदेश की तरफ से ही आप जानते हो कि प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता खुलता है, और उत्तर प्रदेश में ही मनवादियों ने तिकड़मबाजी के जरिए, कुटिलता के जरिए बहला कर फुसला कर राजसत्ता में कब्जा कर लिया है। और उसमें हमें कहने दीजिए, हमें इजाजत दीजिए कि अगर न समझोगे, मैं भारत के साथ कहूंगा, हमारे भाई बैठे हिंदुस्तान कहने पर जरा सा ठीक नहीं लगता, मैं भी नहीं कहता हूँ, लेकिन शायर कहता है, न समझोगे तो मिट जाओगे, हिंदुस्तान वालों तुम्हारी दास्तान भी न होगी दास्तानों में। तो आज के हालात ऐसे हैं कि ये देश का संविधान खतरे में है। हमारे कोई भाई जिक्र कर रहे थे, डीजीपी साहब कर रहे थे कि इतवा धर्म प्रेसिडेंट कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च चार वो जजेस, वो जस्टिसेस जो कोलेजियम के मेंबर्स हैं, दे आर नॉट ऑर्डिनरी जजेस, दे आर द मेंबर्स ऑफ द कोलेजियम, उन्हें कहना पड़ा कि देश का संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, आज भी खतरे में है। एक नौजवान जोश में बोल गया कि 1200 लोगों का एनकाउंटर हुआ है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, 1200 का नहीं हुआ है, जब से मोदी योगी आए हैं 32 मुसलमानों का हुआ है, पूरी लिस्ट है। 32 मुसलमान भी जिस तरह मारे गए, वसीम बेचारा जिस तरह मारा गया, तारिक बेचारा जिस तरह मारा गया, मंजूर मारा गया, लिंचिंग है, पुलिस लिंचिंग और मॉस लिंचिंग है, ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए हम अभी बहुजन नहीं बने हैं, अभी भी हम दलित हैं, पिछड़े और मुसलमान। जिस दिन हम बहुजन बन जाएंगे, पुलिस वाला आपके सामने दम हिलाएगा, एसपी आपके सामने दम हिलाएगा। अभी बात हो रही थी, एक साहब के हम बैठे थे, हमारे साथी हमारे डायनेमिक पर्सनालिटी माने जी बैठे हुए थे, वहां बात हो रही थी एक दलित बहना का, महिला का, हमारी एक बहन का बलात्कार हुआ, और एसएसपी कह रहा है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आए कि एससी एसटी एक्ट का क्रिमिनल जांच के बाद होगा। अरे भाई, एससी एसटी एक्ट का क्रिमिनल की क्या बात है? उस एसएसपी से पूछ रहा था, शायद महिला बताया, महिला है आगे, पूछना चाहिए कि अगर तेरी बहन का बलात्कार होता और 376 आईपीसी में मुकदमा होता तो तू क्या करती? तू गिरफ्तार नहीं करती उसको? सीधा पूछना पड़ेगा, सड़क पे आके पूछना पड़ेगा। अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हमें चूड़ियां पहन लेनी चाहिए, घर पर बैठ जाना चाहिए। ऐसी जिंदगी में लानत है कि वो जो चाहे कानून का इंटरप्रिटेशन करे, हम सुन के चले आए हमें। इसीलिए मैं जरा कुछ कड़वा बोलता हूँ, जेल जाना पड़ता है, हो सकता है यहाँ के बाद भी जाना पड़े, 17 बार गया हूँ, मैं नशे में भी रहा हूँ, लेकिन जेल से जो डरेगा उसे राज सत्ता की तरफ आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है। जो जेल के लिए तैयार रहे, क्योंकि ये मनुवादी अभी तो आपको जेल में भी डाल सकते हैं, और इसके लिए तैयार है, जेल से जो इंकलाब आता है। एक भाई बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि जेल के अंदर भी हमारा साथी चंद्रशेखर सहारनपुर ने शासन कर रहा है, हमें बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैंने भी 2001 और 2002 में शासन किया था फतेहगढ़ जेल में। जेल में शासन चलता है अगर आप क्रियाशील और ईमानदार हैं। जेल एक ऐसी जगह है जहां बहुत सी चीजें मालूम हो जाती है। मैंने कभी चाणक्य नीति नहीं पढ़ी थी, जेल में मैंने जब लाइब्रेरी सफाई करवाई, कंबल से लाइब्रेरी घिरी हुई थी, मैंने कहा जेल मैनुअल के मुताबिक लाइब्रेरी चलनी चाहिए,
अधीक्षक महोदय ठाकुर थे, मतलब किसी ने मांगा ही नहीं है, कम्बल लदे हुए जगह नहीं, जगह नहीं है तो बरामदे में कम्बल रखो, लाइब्रेरी खोलो और कल से मैं में बैठ जाऊंगा। लाइब्रेरी खुली, मेरे हाथ में चाणक्य की लिपि आ गई। कभी नहीं पढ़ा था, जो किताबें हमें जेल में पढ़ने का मौका मिला 13 महीने में, कभी मिल नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ समाजी जीवन फुर्सत ही नहीं। किताबें इतनी बड़ी ला के रखता हूँ और वहां के लोग ले जाते हैं, पढ़ने का समय ही नहीं है। जेल से ज्यादा अच्छा समय लिखने और पढ़ने का नहीं। दुनिया के जितने महापुरुष हुए हैं, नेल्सन मंडेला हो, मौलाना अबुल कलाम मौदूदी हो, और यहाँ तक के महात्मा गांधी हो, किसी ने भी भारत की कोटिक स्टोरी ऑफ इंडिया भी लिखने वाला जेल में नहीं था। हालांकि बहुत बड़ा मनवादी है, उसे लिखा ऑल दी कल्चर्स, ऑल दी मेडिंग कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड गॉट हियर एंड एलिमिनेटेड और डाइल्यूटेड। इतना होशियार से लिखा हम समझे ही नहीं। डिस्कवर इंडिया मैंने पढ़ा इंटरमीडिएट में, आज से 40-45 साल पहले समझे ही नहीं था क्या लिख रहा है। उसे लिखा कि जितनी भी संस्कृतियां थी देश में आई, बाहर से आई हो या यहां उत्पत्त हुई, सबके सब विलीन कर दी गई, सबके सब भूल गई। कहा भूल गई? मनुवाद में भूल गई। अभी हमारी बहनें आई थी, हमारे भानु प्रताप जी कह रहे थे, दिल्ली में आती है, मैं कह देता बहने शायद नौवीं चल रही है, कौन सी नौवीं चल रही है, खत्म हो गया आज, उसको मना रही थी, इसी चोर दरवाजे से तो प्रमोद दाखिल होता है, इसीलिए हमने छोड़ दिया, हम भागी हो गए। हम सब कुछ कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को अपने घर में घुसने नहीं दे सकते। हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन किसान ब्राह्मण की आस्था को नहीं मान सकते हैं। इन्हीं पुराणों ने, इन्हीं किताबों में, भाई रामचरित मानस तो हमसे ज्यादा आपने पढ़ा होगा, पूजो विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजो ज्ञान प्रवीणा, और उसको हम धार्मिक पुस्तक मानते हैं। है? स्त्री शूद्रो माधीता, और उस प्रति को हम धार्मिकता मानते हैं। हमारे हमें कहना भी चाहिए, कहना तो माने जी को चाहिए, कहना तो हमारे भानु प्रताप जी को चाहिए, क्योंकि तो मैं कहूंगा तो बहुत गुस्सा आएगा पंडित जी को कि ये छोड़ भी गया और अभी हमारे को अंदर हमारे लोगों को बगावत पैदा कर रहा है। अरे भाई, अगर विप्र को ना पूछते हम तो देश में मनुस्मृति का नाम लेवा होता कोई? जिस दिन विप्र को उसकी आराधना पूजा हम बंद कर देंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का महत्व बढ़ा देंगे, संविधान की हम आस्था बढ़ा देंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, मोदी बेचारा जो गुलाम है, माननीय प्रधानमंत्री है, भाई क्या करूं, वो कहता है कि हम बहुत बड़ी अम्बेडकर की मूर्ति बनाएंगे, अम्बेडकर की हर जगह तस्वीर दफ्तर में लगा देंगे, लेकिन अम्बेडकर के विचारों को चलने नहीं देंगे। ये कहता नहीं है, ये अमल करता है। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, बाबा साहब भीमराव की किताब की बात करना चाहता हूँ। बाबा साहब भीमराव अपनी किताब में लिखा है, उसका अनुवाद यूं है, मराठी में लिखा, अंग्रेजी में लिखा, मराठी में अनुवाद भी हो गया, हिंदी में भी आ गई है, और लिखा है इस देश के किसी भी दलित आंदोलन को अगर सफल होना है, वही आंदोलन दलित आंदोलन सफल हो सकता है। दलित से मुराद बहुजन आंदोलन है, सब दलित हैं दर्शनों के नजदीक, पिछड़े उन्होंने बना दिया एक मेढक दूसरे के ऊपर, दूसरा मेढक तीसरे के ऊपर, तीसरा चौथा तीसरे के ऊपर, कि अभी हम ऊंचाई पर है, दरअसल सबके सब शूद्र हैं। वो अलग बात है, छूत शूद्र हो या अछूत शूद्र हो, हम तो खैर उसमें आके ही नहीं बढ़ रहे, हम तो पांचवा है, आखिरी वर्ण कौन सा वर्ण है, शायद मलेख से उनके नजदीक, लेकिन उन्होंने जो वर्ण व्यवस्था बनाई है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, वो एक से दूसरे के खिलाफ टकराने का, डिवाइड एंड रूल का, आस्था के तौर पर, धर्म के तौर पर, सामाजिक जो संरचना की है, सोशल डिमार्केशन किया है, वो बड़ी साजिश के तहत किया है बहनों और भाइयों। और वो चाहते क्या है कि ये इसी मुलझे रहे हैं कि हमारा गोत्र ऊपर है, वो कहता है हमारा गोत्र ऊपर है, अरे हमारा आपका तो डीएनए एक ही है, हम तो गोत्र मानते ही नहीं, हमारा आपका तो डीएनए एक ही, हम तो गोत्र मानते ही नहीं, हम तो पंडित को उतार देते हैं, तेरा गोत्र तेरे पास, तो अपने को संभाल ले जाकर, अपना गोत्र अपने बच्चों पे लागू कर, हमारे यहाँ सब दिन बराबर है, न 313 मानते हैं न 51 मानते हैं, किसी को मदद करते शादी में तो उसे क्या लिख लेना, अरे 2021 दे रहे हैं, ये 8 नंबर, ये सब ब्राह्मण का दिया हुआ नंबर है, लेकिन हम समझते नहीं उसकी साजिश को। बहनों और भाइयों, समय आ गया है, ये देश हमारा है, ये देश के हम मालिक, ये देश हमारा है, इस देश के हम मालिक है, लेकिन बाबा साहब भीमराव की जबान में मैं बात करूंगा, बाबा साहब भीमराव ने कभी भी हम
आरक्षण की बात नहीं की। आरक्षण तो कंसेशन था, आरक्षण तो हमें लॉलीपॉप देकर हमें राज सरकार हटाने का एक साजिश था। हमारे माननीय माने साहब ने किताब लिखी। अभी मैं फिर कह रहा था इनसे कि वो मराठी में लिखी है, अंग्रेजी तो थोड़ी बहुत आती है, मराठी बिल्कुल नहीं आती है। इन्होंने किताब लिखी है पूना पैक एक धोखा, यही है ना, पूना पैक एक धोखा। और आप लोग मराठी जानते नहीं, ये भी आपका भाई नहीं जानता है। मैंने भाई से कहा है हिंदी में बात कर दीजिए, हम छपवा लेंगे। और जिस दिन पूना पैक भारत का बहुजन पढ़ लेगा, उस दिन ना एनडीए रहेगी ना यूपीए रहेगी, रहेगी एनडीए। लेकिन बगैर पढ़े बगैर जाने, मैं कह रहा था मोदी जी तो कहते हैं कि तस्वीर लगा लो, लेकिन बहुजन के विचार माननीय हमारे भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर के विचार न चले, इसीलिए वो किताब है, वो साहित्य छिपाया जाता है। उसमें सब एक है, हमारे बीच के भी मनुवादी एक है, चाहे मुलायम हो चाहे नीतीश हो, ये भी मनुवादी। बाबा साहब ने लिखा है वो दलित आंदोलन विच इज नॉट वायलेंट एंड डिक्लेयर इज नॉट इन लियर टर्म से मूवमेंट, जो आंदोलन दलितों का घोषणा के तहत आंदोलन न होगा कि आंदोलन है और अत्याचार के खिलाफ हिंसा भी होगी, वो दलित आंदोलन नहीं है। कौन कह रहा है? बाबा भीमराव अम्बेडकर लिख रहे हैं। आप तस्दीक कर लीजिए। मैं तो कहता हूं कि अगर तस्दीक में हमारी बात गलत निकले तो मेरे मुंह पे मार दीजिए, लेकिन अगर तस्दीक है, मैं बाबा साहब भीमराव को कोट कर रहा हूं। अगर किसी को तकलीफ है तो बाबा साहब भीमराव की निंदा कीजिए, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूं। बाबा साहब भीमराव ने आपको खड़ा किया और आप जो हैं उनकी गुलामी में कब तक जाएंगे? पैरानी शब्दों के साथ हमारी बहन को तकलीफ हो गई है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। चलिए